सोलन पुलिस ने एक युवक से चिट्टा पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये सफलता पुलिस टीम को थाना प्रभारी रविंदर कुमार की अगुवाई में यातायात चेकिंग के दौरान मिली। एसपी अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन थाना सदर टीम ने द्वारद्वार में एक पंजाब रोडवेज की बस को चेक किया। बस को चेक करने के दौरान पुलिस को 31 नंबर सीट पे बैठे हुए युवक पर शक हुआ तो उसकी चेकिंग ली गई। चेकिंग के दौरान युवक से जो है 13.57 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं उन्होंने बताया कि ये बस होशियारपुर से शिमला जा रही थी और युवक जो है कंडाघाट का रहने वाला था और वह चंडीगढ़ से जो है कंडाघाट के लिए बस में बैठा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यह हम आपको बता दें कि सोलन पुलिस नशे के काले कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी हुई है। देखिए, आज हमने दौरी दीवार पर पंजाब रोडवेज की बस से व्यक्ति के पास से 13.57 ग्राम हेरोइन चिट्टा पकड़ा है। ये जो व्यक्ति है इसका नाम अमर शर्मा है, इसकी उम्र 26 साल है और ये बस से चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जा रहा था। बाकी इस मामले में कार्रवाई जारी है और इसमें जो भी कानून के तहत NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी और आगे की कार्रवाई बनाई जाएगी।